Hello, my dear students and friends, welcome back. As you know, I've been an English teacher for the last 28 years and I've been teaching English online through Skype for the last 10 years. तो यहाँ पे मैं हिंदी में ही ये वीडियो बना रहा हूँ. इंग्लिश में मैंने बहुत से वीडियो बनाए, अपलोड किए, पर मेरे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं हिंदी में भी बनाऊँ ताकि वो अच्छे से समझ सके. तो यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है वो है, जैसे हम यूज़ करते हैं डोंट, जैसे डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, डोंट गो देयर. कभी आपने सोचा है, जैसे डू नॉट भी कहीं लिखा हुआ देखा होगा, तो डू नॉट और डोंट, तो ये हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो डू नॉट और एक होता है डोंट. तो आपने ये नोटिस किया है कभी कि डू नॉट क्यों लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, डोंट क्यों लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे हम ये बात समझते हैं. देखो, डोंट तो सिंपल होता है, जैसे आपने कहा डोंट गो देयर, तो वहां मत जाओ. जैसे आपने सिंपली कहा डोंट गो देयर, ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है कि वहां मत जाओ. लेकिन जब डू नॉट का यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है ये कभी नहीं करना है आपको. जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, डू नॉट स्पिट ऑन द रोड. अब ये अगर सेंटेंस बोला है डू नॉट स्पिट, मतलब सड़क पे मत थूको, यानी कभी नहीं थूकना है, इसलिए डू नॉट बोला है. या बच्चे क्लास में बात कर रहे हैं, टीचर ने बोला डोंट टॉक नाउ, डोंट टॉक टू ईच अदर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बात मत करो, बाद में तो बात करोगे ही. तो डू नॉट टॉक नहीं बोल सकते वहां पे, क्योंकि वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कभी बात नहीं करेंगे, है ना. तो हम वहां बोलेंगे, टीचर बोलेगा या बोलेगी डोंट टॉक हियर इन द क्लास. अब कोई ऐसी बात है जैसे डू नॉट स्प्रेड, डू नॉट स्प्रेड गार्बेज ऑन द रोड. जैसे था डू नॉट स्पिट, थूको नहीं कभी, ऐसी कचरा आप सड़क पे नहीं फैलाओ. डू नॉट एब्यूज, तो डू नॉट एब्यूज का मतलब है कभी किसी को गाली मत दो, डू नॉट एब्यूज, ठीक है. ऐसे ही आप डोंट का बहुत सारा यूज कर सकते हो, जैसे डोंट टच माय टॉवल एंड डोंट वॉश माय क्लॉथ्स टुडे, या आपने कहा डोंट स्टैंड इन द सन. तो ये सिंपल है कि अभी मत करो. जो चीज कभी नहीं करना है, जैसे डू नॉट ईट ऑयली फूड, कभी मत खाओ, नहीं खाना ऑयली फूड. डू नॉट ट्राई टू बी, या डू नॉट ट्राई और डू नॉट ड्राइव योर व्हीकल ओवर द लिमिट. तो जो लिमिट तय है वहां पे किसी रोड पे, उससे ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना है. तो ये इस तरीके से एक सिंपल सा यूज है डू नॉट और डोंट का, जो मैं आपको बताना चाहता था. मैंने बताया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच माय न्यू वीडियोस. एंड एज आई हैव बीन एन इंग्लिश टीचर, आई टीच ऑनलाइन. इफ यू थिंक यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश विद मी, आपको लगता है आप मेरे साथ सीखना चाहते हो ग्रामर स्पीकिंग, या आप कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो,
या कोई एग्ज़ाम की तैयारी, तो अगर आपको लगता है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, स्काइप आईडी यहाँ पे इस वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।